खान जादी ने दोस्तों अभिषेक कुमार के लिए एक बहुत ही स्पेशल मैसेज भेजा है और खास करके ऐसे मोमेंट पर अभिषेक के लिए ये मैसेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक का गेम रहा है बहुत बोलते हैं ना एक मोमेंट तक डगमगाए हैं और इस डगमगाहट में दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल उन पर उठे हैं, उनके मेंटल हेल्थ पर इशू हो रहा है, बहुत सारे उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस समय अभिषेक को जो है एक सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया गया लाकर और हर कोई उन पर एक एक करके सवाल दागे जा रहा है, लेकिन फिर भी अभिषेक जो है वो खड़े हैं, अड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार ये स्पेशल मैसेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बूस्ट भी करेगा उनको। तो आखिर क्या कहा है खानजादी ने इस बार अभिषेक के लिए, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांगू। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कल के एपिसोड में भी एक बंदा बहुत क्लियरली टारगेट किया जा रहा है, मतलब वही बात हो गई कि भाई मुनव्वर का हो गया, अब अभिषेक को टारगेट करते हैं। ये दो ही लोग थे ना जो बता रहे थे भाई हमारी दोस्ती बिग बॉस में बहुत ज़्यादा चलने वाली है और बाहर इन्हीं दो लोगों के बारे में बात हो रही है ना कि इनकी दोस्ती की वजह से बिग बॉस 17 याद रखा जाएगा। थोड़ा सा इनको तोड़ के देखते हैं, लेकिन हो ना हो मुनव्वर तो थोड़ा बहुत पास भी कर लिए, अभिषेक तो ज़रूर पास करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक थोड़ा सा अग्रेसिव हो जा रहे हैं वो पार्ट उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। लेकिन एक आपको बात बताऊं तो खानजादी ने एक स्टोरी अपलोड की है जिसमें उन्होंने सिर्फ लिखा है सबर, जिसके बाद बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि शायद खानजादी ने ये बात अभिषेक के लिए ही लिखी है कि बस थोड़ा सा और सबर करना है, यहाँ तक आ गया है, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब ही है, बस थोड़ा सा और सबर करना है, थोड़ा सा और पेशेंस रखना है और अपना गेम थोड़ा सा और डेवलप करना है, इस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं उस एक स्टोरी पर दोस्तों। और कल तो ये भी ट्रेंड हो रहा था कि इस समय अभिषेक को खानजादी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, खानजादी को आना चाहिए बिग बॉस के घर में, क्योंकि वही एक अभिषेक की दोस्त थी जो अभिषेक के लिए किसी से भी लड़ जा सकती थी। फिलहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।